वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखंकर लंगते गिरे यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिनकारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य। कोई जप कर रहा है? क्लास के समय जप नहीं करना चाहिए। तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को उनके कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण और पांडवों के जीवन में अलग अलग कठिन परिस्थिति के कारण वर्णन करने के बाद बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान समदर्शी हैं और भगवान सबके प्रति समान भाव रखते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके ऊपर बहुत विशेष कृपा करके आए हैं उनके अंतिम समय में उनको दर्शन देने के लिए। तो इस प्रकार भीष्मदेव अपने आभार व्यक्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि कृष्ण किस प्रकार बहुत ही भक्त वत्सल है, कृपालु है। तो और फिर बता रहे हैं 23 नंबर श्लोक में भीष्मदेव कह रहे हैं कि जो भक्त लोग भक्ता वेश मनोजस्मिन बहुत भक्ति के आवेश में भक्ति के साथ भगवान की महिमा बाचा यन नाम कीर्तयन वाक्य के द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो भगवान उनके मृत्यु के समय आके त्यजन कलेवरम जोगिंग उच्चन्ते काम कर्म भी और उनके सारे काम कर्म भी काम के प्रभाव जो है हृदय में या कर्म का जो फल है अपने हृदय में ड्यू टू द फ्रूटिव डिजायर्स और ड्यू टू द पास्ट लाइफ एक्टिविटीज तो कृष्ण क्लींसेस इन द लास्ट स्ट्रोक। तो इस प्रकार भीष्मदेव कहना चाहते थे कि हे कृष्ण आप आपके भक्तों के लिए मृत्यु के समय आते हैं और थोड़ी देर पहले भीष्मदेव काल के बारे में कह रहे थे तो भगवान के जो भक्त नहीं है भगवान उनके लिए काल के रूप में आते हैं और भगवान के भक्त लोग जो भगवान के भक्ति में भगवान की सेवा में अपने जीवन पूरी जीवन समर्पित कर चुके हैं वाक्य के द्वारा शरीर के द्वारा और बुद्धि के द्वारा कायन वाचा मनेशेंद्रियो बा तो मन के द्वारा भगवान की सेवा में नियुक्त है तो भगवान उनके सारे सकाम कर्म के बंधन को दूर कर देते। सो हेयर लास्ट टाइम भी मैं बोल रहा था भीष्मदेव एज ए महाजन इज गिविंग होप लॉट ऑफ होप टू द साधक का डिवोटी साधक भक्तों को बहुत होप दे रहे हैं कि अगर आप भक्ति कंटिन्यू करेंगे आपके पूरे जीवन काय मन वाक्य के द्वारा भक्ति कंटिन्यू करेंगे तो भगवान आपको जरूर उद्धार करेंगे, भगवान आपको जरूर इस भव बंधन से मुक्त करेंगे। जोगी मुच्यन्ते कामो कर्म भी तो इस प्रकार अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के हाथ में है आपके प्रगति तो भगवान उनके भक्तों को विशेष रूप से कृपा करते हैं।
तो इस प्रकार भीष्मदेव एक्चुअली कहना चाहते थे कि हे भगवान, आप मेरा भी जितने भी काम कर्म भी है, आप मेरा भी दूर करिए। आप मृत्यु के समय आए हैं, कृपा करके आप भी मेरे जितने भी काम कर्म भी है, मेरे जो भौतिक जगत में जो बंधन है, जो शाप है मेरे दिया हुआ मेरे ऊपर, उससे मेरे को मुक्त करिए। और आपने नित्य धाम में नित्य धाम में हमें स्थान दीजिए। और फिर अगले श्लोक में भीष्मदेव कह रहे हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, जो सारे देवता के भी देवता है, कलेवरम जाबोध हिनम अहम, जो उनके भक्तों की शरीर छोड़ने की समय, जो भगवान जो प्रसन्न हासा, जो जिनके बहुत प्रसन्न वदन है, जो बहुत हास्योज्जल रूप से उनके भक्तों की तरफ देखते हैं, तो वो भगवान जो चतुर्भुजम है, क्योंकि भीष्मदेव को पता था कि भगवान श्री कृष्ण जो है नारायण के भी आदि है, तो भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण को नारायण के रूप में, वासुदेव के रूप में पूजा करते थे, उपासना करते थे। तो उस भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करते हुए, दिव्य रूप का चिंतन करते हुए भीष्मदेव बोल रहे, जो भगवान ऐसे दिव्य रूप धारण करके हैं, तो मेरे मृत्यु के समय आए हैं, मैं जब शरीर छोड़ने वाला हूँ, मृत्यु के समय आए हैं, तो मेरा निवेदन है कि भगवान मेरे मृत्यु के समय तक प्रतीक्षा करें। तो ये शुद्ध भक्त की प्रार्थना है कि शुद्ध भक्त चाहते कि मृत्यु के समय भगवान के शिव विग्रह का रूप दर्शन करते हुए, भगवान की स्मरण करते हुए, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए ये शरीर छोड़े। इस प्रकार हरिदास ठाकुर हम लोग देखते हैं, जब जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे, तो हरिदास ठाकुर को समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु आज से कुछ दिन बाद वो ये लीला समाप्त करने वाले हैं। सो हरिदास ठाकुर रिक्वेस्टेड चैतन्य महाप्रभु दैट आई वांट टू लीव माय बॉडी ऑन योर लैप, आपका आपके आपके जो मुख चंद्र का दर्शन करते हुए, आपके 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 दीप नाम का उच्चारण करते हुए, और आपके आपके सानिध्य प्राप्त करते हुए मैं ये शरीर छोड़ू। तो चैतन्य महाप्रभु सेटिस्फाइड द डिजायर ऑफ हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु वाज ग्लोरीफाइंग हरिदास ठाकुर, बट हरिदास ठाकुर वाज बता रहे थे कि हे चैतन्य महाप्रभु, आपके असंख्य भक्त हैं, बहुत बड़े बड़े गरुर जैसे बड़े बड़े भक्त हैं, और मैं जैसे एक छोटा सा जो क्या बोलते हैं कीट, छोटा सा जो चौरुई पक्षी है, उनका क्या तुलना किया जा सकता है आपके भक्तों के सामने। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि आप तो नामाचार्य हैं, नाम के महिमा को प्रचार करने के लिए आप प्रकट हुए हैं, तो लेकिन हरिदास ठाकुर एक वैष्णव व्यवहार का वैष्णव व्यवहार करते हुए अपने आप को बहुत तुच्छ और नगण्य रूप से भगवान के सामने प्रकट कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा जाचना कर रहे थे। तो जब हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य रूप का दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु के नाम बोधने लोईबो आमी श्री चैतन्य नाम, तो चैतन्य कृष्ण चैतन्य नाम कीर्तन करते हुए भगवान के दिव्य रूप का अपने हृदय में स्थापन करते हुए जब शरीर छोड़ा, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा
के जो हरिदास ठाकुर आपके जो आपका जो क्या बोलते डिपर्चर है, डिसअपीयरेंस है, अप्रकट लीला है, ये भीष्म देव को याद कराता है। तो भीष्म देव इसी प्रकार शरीर छोड़े थे भगवान को स्मरण करते हुए भगवान के दिव्य उपस्थिति में। तो एक शुद्ध भक्त की प्रार्थना होता है। तो भक्त श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, साधन करो भजन करो मूर्त जान ले हाय, कि हम लोग साधन करते हैं भजन करते हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन अगर हम लोग को पता नहीं किस प्रकार शरीर छोड़ना पड़ता है, हाउ टू प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय कैसे हमें शरीर छोड़ना है। अभी देखते हैं कितने लोग शरीर छोड़ रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। सो डेथ कैन कम एनी टाइम एनी मोमेंट। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आवर प्रोसेस इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग, आवर प्रोसेस इज आर्ट ऑफ डाइंग। तो वैष्णव जो वैष्णव लोग जो आर्ट ऑफ डाइंग इसको पता है तो वो कभी मरते नहीं है। वैष्णव दे नेवर डाई एंड व्हेन दे लीव टू ग्लोरीफाई टू डिस्ट्रीब्यूट द होलीनेस, तो दैट इज वैष्णव। बट द मैटेरियलिस्टिक पीपल ड्यू टू द बॉडीली प्लेटफॉर्म दे डाई मोर द डे पासेस मोर दे एंटर इन टू द जॉ ऑफ काल स्नेक, काल सर्प के मुंह में प्रवेश करता है। तो जब से जन्म होता है तब से मृत्यु चालू हो जाता है। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 20 years old. That means 20 years already I have died 20 years. तो लेकिन जो वैष्णव लोग भगवान के भक्ति करते हैं, so they live on the platform of the soul, they live on the spiritual platform, they live in the eternal platform, and therefore they never die. So therefore Bhakti Vinod Thakur write, the Vaishnava never die, and when they live to distribute, to preach the holy name. So we should also try to live such kind of life. We should live for the Lord. We should not live just to हमारे आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज के लिए हमें जीना नहीं चाहिए। हमें भगवान की सेवा करने के लिए जीना चाहिए। That is the perfection of human life. That is the way we can celebrate our life. That is the way we can make our everyday festival. तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते साधन करो भजन करो मोरते जान ले हाय। तो प्रभुपाद जी आपने जीवन में शिक्षा दिए हैं कि उनके शरीर छोड़ने के समय, और हमारे सामने हरिदास ठाकुर हैं, भीष्म पितामह हैं, हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन को ऐसे बिताना चाहिए कि हम लोग मृत्यु के समय भगवान को याद कर सकते हैं। तो अंते नारायण स्मृति, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को एक बार प्रश्न पूछा गया था गुरु सदय में कि ये क्या गारंटी है हम लोग मृत्यु के समय हम लोग भगवान को याद कर सकते हैं। तो भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोल रहे थे कि इफ फ्यूचर इज नॉट इन योर हैंड, फ्यूचर इज नॉट इन योर हैंड बट योर प्रेजेंट इज इन योर हैंड, इफ यू यूटिलाइज योर प्रेजेंट मोमेंट टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, then it can be say, you can guarantee that at the time of your death, you can remember Krishna. So if your present time is in your hand, so utilize your present time. So agar present time, aap agar prayas nahi karke, future ke samay ke baare mein rote rehte, to koi fayda nahi hoga. Isliye present time ko hum log bahut acche se utilize karna chahiye, aur Bhagawan ko yaad karne ki prayas karna, Bhagawan ki bhakti seriously karne ki prayas karna chahiye. इस प्रकार हरिदास ठाकुर भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान उनके मृत्यु के समय उनके दिव्य रूप में प्रतीक्षा करे हास्योज्वल रूप से। और मैं लास्ट टाइम बोल रहा था किस प्रकार राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि भगवान जब भीष्म देव के ऊपर उनके बहुत दिव्य हास्योज्वल हंसी प्रदान किए, ग्लांस ऑन भीष्म पितामह के जितने भी दुख था, जितने भी दर्द था, सब कुछ गायब हो गया।
तो भगवान के कृपा दृष्टि से भीष्म पितामह का सारे दुख सारे कष्ट गायब हो गया। तो इस प्रकार भीष्म भगवान ये बताना चाह रहे थे कि मेरे जो भक्त हैं मृत्यु के समय उतना कठिन परिस्थिति में, जिस समय एक जन के शरीर दर्द करता है, बॉडी बिकम कंप्लीटली हीटेड अप, हाँ एक व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि हम शरीर में रहने नहीं वाले हैं, मतलब रह नहीं सकते, एंड ही लीव्स हिज एवरीथिंग, ईटिंग एवरीथिंग छोड़ देता है। तो और विशेष करके भीष्म पितामह के केस में उनके शरीर के पूरे जो अलग अलग अंग है तीर से क्या बोलते छेदा हुआ था, तो उस परिस्थिति में भी भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये प्रमाण करना चाहते थे कि उनके भक्त जो होते हैं शरीर के स्तर से ऊपर होते हैं, और इसीलिए मृत्यु के समय भी कठिन परिस्थिति में भी वो दूसरे को जीवन के परम लक्ष्य के बारे में उपदेश दे सकते हैं। और इसीलिए अगले श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब भीष्म पितामह इस प्रकार बता रहे थे कि मेरे मृत्यु के समय भगवान मेरे सम्मुख उपस्थित हो, तो युधिष्ठिर महाराज को समझ में आ गया कि भीष्म देव इज नाउ गोइंग टू क्विट हिज बॉडी। तो इसको समझ गए युधिष्ठिर महाराज ने फील्ड वेरी वेरी सैड, बहुत दुख लगा, और इसीलिए भीष्म देव के जो दिव्य सानिध्य है, भीष्म देव के जो बहुत मोस्ट वैल्यूएबल एसोसिएशन है, उसका बेनिफिट लेने के लिए युधिष्ठिर महाराज स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू भीष्म देव, सो दैट युधिष्ठिर महाराज डाउट गेट्स क्लियर्ड एंड द होल सोसाइटी गेट्स बेनिफिटेड। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड that the best way we can take association of the great soul through his teachings, unke shiksha ke dwara hum log unke sabse jyada sang prapt kar sakte hain, agar hum log unke shiksha ko palan karte hain to hum log unke sabse jyada kripa ya sannidhya prapt kar sakte hain। To isliye bapu seva se bhi jyada mahatvapurna hai bani seva। To isliye भीष्मदेव को युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं अलग अलग विधान के बारे में। तो अलग अलग प्रकार के जो ड्यूटीज है उसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। टेक्स्ट नंबर 26। तो सब लोग बोलिए, पुरुषो स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम यथा वर्णम यथा श्रवण वैराग्य राग उपाधिभ्यम आमनात उभय लक्षणान ट्रांसलेशन somebody read। करिए अनुवाद, बहुत लोग तो भागवतम लेके गए भाव मंदिर से, कहाँ है भागवतम आपका? प्रवीण प्रभु, हमारे सांबो प्रभु, हमारे संजीव प्रभु, ट्रांसलेशन एट महाराज युधिष्ठिर इंक्वायरी भीष्मदेव फर्स्ट डिफाइंड ऑल द क्लासिफिकेशंस ऑफ कास्ट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स क्वालिफिकेशंस, देन ही सिस्टमैटिकली इन टू फोल्ड डिविजन्स
describe counteraction by detachment and interaction by attachment. Bhishmadev first defined all the classification of caste as the order of life in term of the individual's qualification. तो एक जन के जो व्यक्तिगत जो योग्यता है क्वालिफिकेशन गुण कर्म विभाग से, तो भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण माया शिष्ट गुण कर्म विभाग से, तो उसी प्रकार भीष्म पितामह पहले जो चार वर्ण और आश्रम उसको डिफाइन किए एक जन के योग्यता के अनुसार गुण के अनुसार, एंड देन ही सिस्टमेटिकली इन टू फोल्ड डिविजन डिस्क्राइब्ड, दो प्रकार से उन्होंने वो वर्णन किए, काउंटर एक्शन बाय डिटैचमेंट. तो काउंटर एक्शन ऑफ डिटैचमेंट किस प्रकार जो डिटैचमेंट जो है वैराग्य है या विरक्ति है उसका विपरीत क्रिया क्या होता है, एंड इंटरेक्शन ऑफ अटैचमेंट और आसक्ति के आभ्यंतरीण क्रिया के बारे में वर्णन किए. तो श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में वर्णन किए हैं चार वर्ण जो है ब्रह्मचार्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार आश्रम है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इस चार वर्ण और आश्रम के बारे में वर्णन करते हैं और फिर बताते हैं कि जो चार वर्ण और आश्रम है ये चार वर्ण आश्रम जो है एक व्यक्ति को पशु स्तर से मनुष्य स्तर में लाने के लिए है. तो जब व्यक्ति वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, ब्राह्मण के आचरण नहीं करते, क्षत्रिय के आचरण नहीं करते, ब्रह्मचारी का आचरण नहीं करते, सन्यासी का आचरण नहीं करते, गृहस्थ का आचरण नहीं करते, सब लोग व्यभिचारी हो जाते हैं, आचरण आचार और व्यभिचार. तो व्हेन पीपल डज नॉट फॉलो द रिलीजियस प्रिंसिपल तो तब क्या होता है वो पशु स्तर में गिर जाते हैं. तो इसलिए भगवान ये वर्णाश्रम धर्म सृष्टि किए हैं, वर्णाश्रम धर्म बनाए हैं टू अपलिफ्ट द कंडीशन सोल फ्रॉम एनिमलिस्टिक प्लेटफॉर्म टू द ह्यूमन प्लेटफॉर्म. एंड व्हेन इन दैट वर्णाश्रम सिस्टम इन द ह्यूमन प्लेटफॉर्म वर्णाश्रम धर्म का जब पालन करते रहते हैं तब क्या होता है ही डेवलप्स ऑल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी, तब आध्यात्मिक गुण का और विकास होता है. तो असल में तो हम लोग शरीर नहीं है आत्मा है, लेकिन बद्ध अवस्था में गुण के प्रभाव से अलग अलग वर्ण और आश्रम और उसके भी नीचे पशु स्तर. तो जब कोई व्यक्ति इस गुण के प्रभाव से मतलब आ जाते हैं तो क्या होता है आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटी ढक जाता है, जैसे ग्लास होता है, एक ग्लास कांच का ग्लास उसके उसका आधा पानी से भरा हुआ है और उसके अंदर आप एक 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 कॉइन डाल दीजिए तो क्या होगा क्रिस्टल क्लियर वाटर यू कैन सी द कॉइन, बट इफ यू ड्रॉप सम कलर इन दैट वाटर देन व्हाट विल हैपन, मोर यू एड कलर मोर द कॉइन बिकम इनविजिबल. सिमिलरली मोर वी बिकम इन्फ्लुएंस्ड by the different modes, more the quality of the soul become invisible. So either we get the quality of animal or one gets quality of the different varna and ashram. Brahmachari grihastha. So pehel to ye brahmachari grihastha aur varnashram jo dharma hai brahman kshatriya ye iska uddeshya hai कि इसका पालन करते हुए एक व्यक्ति चिन्मय स्तर को प्राप्त करे. एक व्यक्ति चिन्मय स्तर प्राप्त करे और गुण के परे चले जाए. तदा रजस्तमो भावा काम लोभा जयश्चये चेतरेतर अनावृद्धम सितम सत्य प्रसिद्धति सत्व गुण में और उसके ऊपर विशुद्ध सत्व में
अधिष्ठित हो जाए, जिसमें आत्मा के जो सारे दिव्य गुणावली उसका विकास होगा, और विकास जितना भी विकास होगा उतना ही वो अपने साथ भगवान के जो दिव्य संबंध है अपना स्वरूप को आप अनुभव कर पाएगा, और उसके द्वारा वो इस भाव सागर से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी फॉलो द वर्णाश्रम सिस्टम। सो ब्राह्मणा शुड फॉलो डेवलप द क्वालिटी ऑफ ए ब्राह्मणा, क्षत्रिय शुड डेवलप द क्वालिटी ऑफ ए क्षत्रिय, एंड वैश्य शुड डेवलप द क्वालिटी ऑफ ए वैश्य, शूद्र इफ ही समबडी शूद्र देन ही शुड परफॉर्म द क्वालिटी और द एक्टिविटीज ऑफ ए शूद्र। सिमिलरली इफ समबडी इज अ ब्रह्मचारी और हैव अ डिजायर टू बिकम ब्रह्मचारी देन ही शुड प्रैक्टिस द कल्टिवेट द क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम। इफ समबडी इज अ गृहस्थ देन ही शुड कल्टिवेट द स्टैंडर्ड ऑफ गृहस्थ आश्रम। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, तात्पर्य को पोस्ट कर सकते हैं। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अवश्य कर्तव्य বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত তাদের বৃত্তি অনুসারে বিশেষ গুণাবলীকে অর্জন করা। বুদ্ধিমান শ্রেণী বা ব্রাহ্মণদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম করা, এটি নৈতিক জীবনের ভিত্তি। তো এই যে সিভিলাইজ সোসাইটি কা ফাউন্ডেশন হ্যায়, দ্য ফাউন্ডেশন অফ দ্য সিভিলাইজ সোসাইটি সেন্স কন্ট্রোল। টুডেজ ওয়ার্ল্ড there is all type of propaganda of sense gratification, and therefore all class of people they falls down in the animalistic platform, and therefore Shastra says kalo shudra sambhava, in Kali Yuga everybody is like a shudra. So therefore there is no brahmana, no kshatriya, no vaishya, no shudra. So then question is how to cultivate the quality, how to understand which varna I am, कौन से वर्ण में है हम लोग। तो वो पता चलते संस्कारत भवेत दिज्य, लेकिन संस्कारत संस्कार के द्वारा पंचरात्र की विधि दीक्षा संस्कार उपनयन संस्कार, हाँ इस प्रकार इस आध्यात्मिक संस्कार के द्वारा उनके स्वभाव को कोई समझ सकता है। Somebody may be intellectual class, somebody is is business class, somebody is administrative class, so all these type of classes are there. So by samskar ke dwara is quality ko koi samajh sakta hai. Halanki kali yug mein sab log gire hue hain, to isliye chaitanya mahaprabhu daivi varnashram ka shuruaat kiya hai. To कृष्ण सेंटर्ड फैमिली लाइफ और कृष्ण सेंटर वर्णाश्रम लाइफ, तो वही शिला प्रभुपाद जी जो फार्म कम्युनिटी के द्वारा स्थापन करना चाहते थे। अब प्रभुपाद जी बोलते कि 50% वर्क इज डन नाउ, 50% वर्क इज पेंडिंग एंड दैट इज वर्णाश्रम सिस्टम। तो इंद्रिय संयम जो होता है सब आश्रम के फाउंडेशन है। तो फर्स्ट है इस ब्रह्मचारी लाइफ, ब्रह्मचार्यों का पालन करना चाहिए पहला 25 साल है। तो उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम में एक पत्नी ब्रह्मचारी, एक व्यक्ति को एक पत्नी ब्रह्मचारी, केवल उनके पत्नी के साथ ही संबंध रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि विवाहित तो पत्नी संगे जैनो झंगो বিবাহিত পত্নীর সঙ্গেও যৌন সংযোগ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক, এবং তার ফলে আপনা থেকেই পরিবার নিয়ন্ত্রিত হবে। বুদ্ধিমান মানুষ যদি বৈদিক জীবনযাত্রার ধারা অনুসরণ না করে তাহলে তার মহান যোগ্যতার অপব্যবহার হয়। তো কোন ব্যক্তি আগার অর্থাৎ তার কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, বিশেষ করে শ্রীমদ ভাগবতম ভাগবত গীতা বৈদিক জ্ঞান লাভ করার জন্য এমন একজন ব্যক্তি শরণাগত হওয়া উচিত যিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবত ভক্তিতে নিযুক্ত।
শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্তব্য শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো কোনো মতেই আচরণ করা উচিত নয়। তো ইস প্রকার বাতায় যা রা হে কে কিস প্রকার গৃহস্থ ব্যক্তি কো ভি এক ব্যক্তি কো জো স্ত্রী কে সাথ জো সম্বন্ধ হ্যায় উসমে 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 ডিসিপ্লিন হোনা চাহিয়ে। তো ম্যারেজ প্রভুপাদ জি বলতে ম্যারেজ ইজ নট এ লাইসেন্স টু এনজয় উইথ হিজ ওয়াইফ। So wife is not an instrument of husband's sense gratification. Rather, husband and wife should unite together to create Krishna conscious children. And for a brahmachari, they should have complete abstain of sense gratification. So sex life, jauna jivan se purna tarike se unko उनको ब्रह्मचारी को जौन जीवन है उससे संपूर्ण रूप से अपने आप को क्या बोलते बाहर रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अपने पत्नी के प्रोपाजी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने पत्नी पत्नी के बाहर दूसरे किसी के साथ जौन संभोग करके संतान उत्पादन नहीं करना चाहिए। तो इधर और एक चीज है कि द पर्पस ऑफ 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 यूनाइटेड विथ वाइफ इज टू क्रिएट कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन। तो सो दैट इज ऑथोराइज सेक्स लाइफ। The purpose of union with wife is to create Krishna conscious children, and therefore, when husband and wife they are getting united, here many of you are married or going to get married. So they should be very very Krishna conscious the day, or every day one should be Krishna conscious, especially the day. The husband and wife, they are going to be united. They should be very, very Krishna conscious. Then only Krishna conscious children will come. Otherwise, Hiranyakashipu and Hiranyaksha, Shishupal, Dantabakra, they will come. And your life will be miserable. बहुत बार देखते हैं कि बच्चे लोगों को मामी पापा उनके बच्चे लोगों को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चे लोग सारे नियमों के बाहर चले जाते हैं और एकदम एक बदमाश के जैसे जीवन जीते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि देयर पेरेंट्स दे हैव यूनाइटेड इन द रॉन्ग टाइम एंड विद द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रकार भीष्म पितामह बताते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को हर आश्रम में इंद्रिय संयम करना चाहिए और भगवान के भक्ति में नियुक्त होना चाहिए। दे शुड स्टडी स्क्रिप्चर, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने भी जेंटलमैन हैं, जितने भी मतलब सभ्य व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के घर में श्रीमद् भागवतम रहना चाहिए। तो एवरीबॉडी शुड स्टडी स्क्रिप्चर। तो जैसे मैं पहले एक बार बोल रहा था, एक गृहस्थ को चार प्रकार यज्ञ करना चाहिए घर में। तो एक है ऋषि यज्ञ। तो ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ। देव यज्ञ होता है अगर आप भगवान विष्णु या गोविंद देव की पूजा करेंगे अपने घर में। ऋषि यज्ञ मतलब अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करते तो ऋषि यज्ञ होता है। मुनि ऋषि के ज्ञान जो है आप अध्ययन करें, इस प्रकार उनकी सेवा होता है। फिर होता है अतिथि यज्ञ। अगर आप अतिथियों को इनवाइट करते, साधुओं को इनवाइट करते अपने घर में। अभी लोग क्या लिख देते, कुकुर हो तो सावधान, आपका घर में एंट्री मना है पूरी तरीके से। कि घर में कौन रहता है, कौन रहता है घर में? अरे कोई बोल नहीं रहे। घर में कुकुर रहते हैं, इसलिए बोले कुकुर है तो सावधान। सो यू कैनॉट एंटर। तो दे डोंट इनवाइट द साधुस इन देयर होम एंड दे हैव अ पार्टी वेयर दे ड्रिंक, वेयर दे
they dance with others' wife. So that is happening in college, universities, mess, hostel, and that is happening in the homes also. So thus, the society individually, collectively, they degrades from the human platform to low-class animalistic platform. And therefore, such society cannot be happy even after making all type of technological, scientific, economical, medicinal advancement. All type of artificial advancement cannot make them happy because they are breaking the law of God. Yash shastravidhi usrijya vartate kamakarata nasa siddhim abhavnoti na sukham na paramgatim. तो जो शास्त्र विधि, शास्त्र के विधि विधान को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो हम लोग कभी भी सुखी नहीं हो सकते, इवन हैविंग अर्निंग लॉट ऑफ मनी. ऑन द अदर हैंड, गुरु महाराज वाज सेइंग दैट सुधामा वाज नॉट हैविंग एनी मनी. उनके पास ज्यादा कुछ पैसा नहीं था लेकिन उन्होंने सुसाइड नहीं किया था. और हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया में लोग अलग अलग प्रकार से धन ऐश्वर्य भोग रहने के बाद भी लोग डिप्रेस्ड है, लोग अपने 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 आप को खत्म कर रहे हैं. तो इसका मूल कारण है कि जब आप लोग हम लोग आध्यात्मिक नियमों का या सामाजिक नियमों का क्या बोलते हैं, नियमों को तोड़ेंगे अपने जीवन में, देन वी विल दैट इफेक्ट विल कम. इसलिए जो गौरांग सभा डिवोटीज है, दे शुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी वेरी स्ट्रिक्ट to maintain the standard internal and external. And similarly the grihasthas, grihastha matlab aise nahi kaha ab to grihastha hai koi problem nahi hai, koi rule nahi hai hamare upar, no sir. So grihastha have more rules and regulation than a brahmachari, because brahmacharis are fully engaged in the service of Krishna, and therefore they should advance spiritually. And because they are spiritually advanced, and therefore they get spiritual independence, like they don't have to work. So they serve the spiritual master and Krishna, and Krishna and Guru takes care of them. But the householder has to go out and work. तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं. फिर प्रभुपाद जी बताते कि गृहस्थों का कर्तव्य है, एक व्यक्ति गृहस्थ का कर्तव्य दान देना. तो जो व्यक्ति अर्थ उपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं, उनका कर्तव्य है दान देना. तो ब्राह्मण का कर्तव्य है पठन पाठन जजन जाजन दान पतिग्रह, दान लेते हैं दान देते हैं, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है. अध्ययन करते हैं, अध्ययन कराते हैं, आचरण प्रचार, ये ब्राह्मण का क्वालिटी है. तो अगर आप इसको कल्टीवेट करेंगे तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपको शूद्र रहना पड़ेगा. जन्म ना जायते शूद्र, जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से हम लोग शूद्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें पूरी जीवन भर शूद्र बन के रहना पड़ेगा. संस्कार भवेत बीज, then when you come in contact with the spiritual master, then we become dijo. One can become dijo by initiation. So by formal initiation and spiritual initiation, by taking shiksha, one can become a brahmana. So therefore the senior batch devotees, those who are practicing Krishna consciousness for 3 years 4 years, you should make sure that you are chanting 16 down, following 4 regulative principles, and you are coming at the platform of initiation and taking initiation. Ye to kab tak aap IYF student ban ke rahenge, kab tak aap IYF ke chhatr rahenge, is par mein aayenge, hafte mein ek din class attend karenge aur prasad pake jayenge. To kab tak hum log IYF ka stamp laga ke, hafte mein ek din, main ek religious aadmi hu, main religious aadmi hu, प्रभुजी क्लास में आता हूं एक दिन. तो हमें ऐसा तथाकथित धार्मिक व्यक्ति बने रहना नहीं चाहिए. तो हमें भक्त बनना चाहिए. वी शुड बी
कृष्णस डिवोटी। तो और इसलिए हमें दीक्षा स्तर पे आना चाहिए और दीक्षा के जो नियम है उसको उसको लक्ष्य रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो जो डिवोटीज आश्रय लिए है समरेश प्रभु, संजीव प्रभु, नीतीश प्रभु और गोविंद प्रभु, अक्षय प्रभु, तो ये सारे डिवोटीज, सायन प्रभु, तो सारे डिवोटीज के बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम एट द लेवल ऑफ इनिशिएशन एंड टेक इनिशिएशन। तो दोज हु आर आकांक्षा लिए हैं कुछ डिवोटीज, आपका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या बोलते हैं आश्रय के स्तर पे आए और दीक्षा ले। तो अनलेस यू टेक इनिशिएशन यू कैनॉट गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको देखना चाहिए, आप प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ रहे हैं, आप देख रहे देखना चाहिए कि आप फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आप जिस आश्रम में हैं उस आश्रम का स्टैंडर्ड पालन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हस्बैंड एंड वाइफ दोज आर मैरिड दे शुड प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस टुगेदर। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ शुड प्रैक्टिस द स्टैंडर्ड ऑफ रिलीजियस सिस्टम। तो गृहस्थ का कर्तव्य है अतिथि सेवा और चैरिटी। अतिथि सेवा करना चाहिए और दान करना चाहिए। तो हम बोल रहे थे कि गृहस्थ को चार यज्ञ करना चाहिए। क्या क्या है ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, कौन बोलेगा? ब्राह्मण यज्ञ। ब्राह्मण यज्ञ तो नहीं बोला मैं, ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ कैसे होता है? ऋषि यज्ञ भाई रीडिंग स्क्रिप्चर्स। ओके, हरि बोल। शास्त्र का अध्ययन कैसे ऋषि यज्ञ होता है। उसके बाद देव यज्ञ। ओके, देव यज्ञ कैसे होता है भाई? प्रेइंग लॉर्ड नारायण। प्रेइंग आई मीन पूजा अर्चना करना देव नारायण, पूजा करना, विशेष करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम यज्ञ है ये देव यज्ञ कह सकते हैं। ये आपके घर में भगवान के फोटो रहना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान को प्रसाद खाना चाहिए, ये है देव यज्ञ। उसके बाद अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ इसका मतलब है सर्विस टू द साधुज। हाँ, अतिथि मतलब हमें साधुओं को इनवाइट करना चाहिए अपने घर में। हाँ, और नहीं तो यू शुड इनवाइट योर फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स एंड नेबर्स एंड हैव सत्संग इन योर होम एंड दस मेक देम डिवोटीज। तो ये अतिथि सेवा है। आपके आपके घर के आसपास के लोगों को बुलाना चाहिए, आपके घर में के सत्संग में बुलाना चाहिए, या आपके रिलेटिव्स को बुलाइए, आपके नेबर्स को बुलाइए, साधुओं को बुलाइए और सत्संग का आयोजन करिए। भक्ति वृक्ष का प्रोग्राम, यू कैन हैव ए भक्ति वृक्ष इन योर होम स्पेशली दोज हु आर हाउस होल्डर्स। सो दस यू कैन डू अतिथि यज्ञ। सो आइदर इनवाइटिंग डिवोटीज इन योर होम एंड फीडिंग देम साधुस द रिनाउंस्ड ऑर्डर, और यू शुड इनवाइट पीपल एंड हैव सत्संग इन योर होम। तो इस प्रकार अतिथि यज्ञ। और उसके बाद चौथा चौथा क्या है? फोर्थ नहीं बताया बोलो। हाँ, तो चौथा है पितृ यज्ञ। तो जो पितृ हैं, तो जितने भी क्या बोलते पुत्र हैं, उनको अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। तो माता पिता का सेवा करना चाहिए, ऐसे नहीं कि माता पिता बूढ़ा हो गया तो अभी उसको दूसरे जगह में भेज देते हैं। माता पिता बूढ़ा हो गया उनका सेवा नहीं करेंगे। सो अनलेस यू आर एंगेज इन द सर्विस ऑफ गुरु, गुरु के सेवा में अगर आप पूरी तरीके से समर्पित नहीं है, या गुरु को सेवा में आपने गुरु की सेवा करने के लिए आपने अपना मैटेरियल लाइफ सेक्रीफाइस नहीं किया, देन यू शुड नॉट यू कैनॉट अवॉइड द सर्विस टू योर पेरेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
Now it does not matter that your parents, does not mean that your parents want to eat non-veg and you have to feed non-veg to your parents. Huh? The best way you can serve your parents if you can make them devotee. So, माता पिता को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाके हम लोग सबसे श्रेष्ठ सेवा कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता जब बूढ़ा हो जाते हैं सो दे शुड गेट रिटायर्ड, उनको रिटायरमेंट देना चाहिए और पुत्र को दायित्व लेना चाहिए और फिर माता पिता की सेवा, माता पिता को मौका देना चाहिए भगवत भजन करने के लिए। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे मारवाड़ी फैमिली में, बहुत सारे जगह में, अलग अलग भारत में, कोलकाता में, जब अलग अलग ऑफिस में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो बूढ़ा आदमी है वो उसके बेटा के साथ ऑफिस में बैठा हुआ है और डेली 60 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में ऑफिस आता है। तो मैं बहुत बार पर्सनली बात किया हूँ तो मेरे बात करके ऐसा लगा है कि दे आर वेरी फियरफुल। अगर माता पिता बच्चे के बात में यस यस में यस, नो में नो नहीं बोलेंगे, हाँ, सो दे आर सिचुएशन विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो लोग हमेशा डर में हैं और इसलिए वो लोग कोई मदद करने की प्रयास कर रहे हैं, बच्चे लोगों को मदद करने की प्रयास कर रहे हैं कि वो खुश रहे और वो खुश रहे तो उसका जीवन बीत जाएगा। हाँ, तो ऐसे परिस्थिति है भारतवर्ष में, बहुत बार बच्चे लोग अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, हाँ, नहीं देखते हैं, पत्नी के साथ अलग रहते हैं। तो लेकिन बहुत बार अगर रहते भी है बट पेरेंट्स लोग का ठीक से केयर नहीं करते हैं। जब बच्चे लोग, हम लोग छोटे रहते तो हम लोग माता पिता हम लोगों को बहुत प्यार से हमें बड़ा करते हैं, उसी प्रकार मामी पापा जब बड़े हो जाते हैं दे आर लाइक ए चाइल्ड। मामी पापा जब वो बुढ़ा हो जाते वो बच्चे के जैसा हो जाते हैं, तब क्या होता है पुत्र को अपने मामी पापा को अपने बच्चे जैसा केयर करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शास्त्र में बोला गया 5 व्यक्ति का केयर करना चाहिए। कोई बोल सकता है 5 व्यक्ति कौन कौन है? बोलिए। ओल्ड पर्सन, चाइल्ड, ओल्ड पर्सन, चाइल्ड, वुमेन, ओके, काउ, ओके, Sadhu, Brahmanas, Ariba. So the ideal society, that is ideal society, the society where people care of these five personalities. So at least if it is not happening, the society, it should happen in your life. It should happen in your society, it should happen in your community. We should respect sadhus, we should respect brahmanas or vaishnavas, we should respect cows, mother cows, we should serve mother cows, then we should take care of the children, saving them from the allurement of maya. Bacche ko sanskar dena chahiye, Krishna consciousness dena chahiye. Bahut bar parents log nahi chahte ki unke bacche log bhakt bane, to isliye kya hota hai bacche log materialistic reh jate hain. So it is the duty of a parents to give Krishna consciousness to their children. There should be respect, proper respect and protection of the woman in the society, in your family. Then we should take care of the old person, our guardians, our parents, unka take care karna chahiye. Or we should take care of cows. Okay, all these 5 categories of people. तो ये एक आइडियल सोसाइटी का स्टैंडर्ड है और एक आइडियल सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भीष्मदेव वही चीज इधर कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि एक जो राजा है, राजा को आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। तो कह रहे हैं कि क्षत्रियो को कभी दान लेना नहीं चाहिए, प्रजा से दान लेना नहीं चाहिए, प्रजा को दान देना चाहिए और प्रजा से जो टैक्स कलेक्शन होता है वो टैक्स से अलग अलग प्रकार के यज्ञ करना चाहिए, उस यज्ञ के द्वारा प्रजाओं को इंस्पायर करे टू रिमेन इन कनेक्ट विद धर्मा, रिमेन इन कनेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड।
और इस प्रकार राजा का धर्म है भगवान के धाम जाने के लिए मदद करना। राजा का कर्तव्य है कि प्रजाओं को मदद करे के भगवान के पास जाने के लिए। इफ द सिटीजन्स आर परफॉर्मिंग सिंफुल एक्टिविटीज द ड्यूटी ऑफ ए किंग टू रेक्टिफाई और द पनिश द सिटीजन। हम लोग देखते हैं महाराज परीक्षित के राज्य में जब कली प्रवेश करते और गो गाय को क्या बोलते अत्याचार करते तो इमीडिएटली महाराज परीक्षित कम्स आउट। ना टुडेज वर्ल्ड वी सी सो मेनी सिंफुल एक्टिविटीज आर हैपनिंग, काउ किलिंग, स्लॉटर हाउस, प्रोस्टिट्यूशन, देन होटल, बार, इंटॉक्सिकेशन शॉप, दारू का दुकान, ये सारे ऑल सिनफुल एक्टिविटीज हैज बीन प्रोमोटेड एंड मेनी टाइम्स दिस बिकम ए द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। होटल मैनेजमेंट इट्स बिकम एजुकेशन सिस्टम, पार्ट ऑफ एजुकेशन। सो मेनी थिंग्स आर लाइक मेनी अनऑथोराइज्ड थिंग्स सिनफुल एक्टिविटी बिकेम द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। So the whole purpose of education system of the society is to how we can earn more money and how we can have sex life. So that is the part of, that is the main essence of this modern society, Hiranyakashipu. And such kind of society can never be happy. So isliye, if we want to save ourselves, agar hum apne aap ko bachana chahte hain apne aap ko, तो हमें बहुत अच्छे से वर्णाश्रम धर्मों का पालन करना चाहिए हमारे जीवन में। अगर हम लोग पालन करेंगे तो इस भौतिक जगत के जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु दैवी वर्णाश्रम दिए हैं, क्योंकि सोसाइटी को तो आप एक बार में चेंज नहीं कर सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट। दो दिस इज गोल्डन एज ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, तो संकीर्तन मूवमेंट विल स्प्रेड मोर एंड मोर। नाउ दिस कोरोना वायरस इज क्रिएटिंग मेनी फेवरेबल सिचुएशन and Krishna consciousness movement will spread faster. So this Panch Tattva will be installed in Mayapur, the TOBP will come and preaching will expand more and more. But still the Kali Yuga, it is very difficult to re-establish Varnashram Dharma. So therefore, wherever one may be, one should follow the standard in his life. अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में वो स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि उनके सभी लोग आध्यात्मिक नियमों का पालन करें और कृष्ण केंद्रित जीवन यापन करें। और उनके आहार, उनके व्यवहार, उनके जीवन प्रणाली, उनके धन कमाने की विधि, उनके यौन जीवन, सब कुछ शास्त्र के अनुसार हो। और इस प्रकार जब आपके जीवन के हर चीज शास्त्र के अनुसार होता है, यू बिकम फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ कर्मा, आप इस प्रकृति के नियम के ऊपर चले जाते हैं। तो माम चौबिचारे न भक्ति जोगे ने सेवते स्वगुणान समतित्वितान ब्रह्म भूयाय कल्पते, स्वगुणान समतित्वितान, गुण के परे चले जाते हैं। तो जब वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करेंगे, धीरे धीरे गुण के परे चले जाएंगे और आपके दिव्य स्वरूप जो है आध्यात्मिक स्वरूप का आप अनुभव कर पाएंगे। Our purpose, our focus should not be only earning money. केवल धन कमाने में फोकस रहना चाहिए। हमारे जीवन के जो गुण है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, वर्णाश्रम धर्म है, भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान के नाम जाप है, गुरु की आश्रय है, चार प्रकार के यज्ञ है, उसको पालन करने में हमें फोकस होना चाहिए। तो फिर आप बहुत ही सुख प्राप्त कर सकते हैं। सो तो इस प्रकार क्षत्रिय और फिर आगे वैश्य और शूद्र के बारे में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो वैश्य का कर्तव्य है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, टू प्रोवाइड ग्रेन्स, प्रोवाइड फ्रूट्स, देन गोरक्षा, काउ प्रोटेक्शन, then cow protection will supply milk and then all milk items like ghee, dahi, makhan, sweets,
दे डिफरेंट टाइप ऑफ है. तो इस प्रकार कृषि और गोरक्षक के द्वारा हमारे जितने भी बेसिक नेसेसिटीज है, हमारे वस्त्र हो गया, हमारे क्या बोल ज्वेलरीज हो गया, फर्नीचर हो गया, फ्रूट ग्रेन हो गया, फ्रूट्स हो गया, दूध दही ये सब हो गया, तो सारे चीज का सप्लाई होता है. नाउ टुडेज वर्ल्ड ऑल द बिजनेस क्लास ऑफ मैन व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव ओपेंड ए फैक्ट्री. प्रोपद राइट्स इन द परपोर्ट, आप अच्छे से पढ़िए. आज के वर्तमान युग में जो 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 बिजनेस क्लास ऑफ मैन, ऐसे नहीं कि वर्णाश्रम धर्म नहीं है, मतलब बिजनेस क्लास ऑफ मैन नहीं है, वैश्य लोग नहीं है, वैश्य लोग है, बट दे हैव ओपेंड होटल, दे हैव ओपेंड बार, दे हैव ओपेंड टी बिजनेस, दे हैव ओपेंड प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस, दे हैव ओपेंड ए बिग फैक्ट्री टू प्रोड्यूस आयरन, प्रोड्यूस केमिकल्स. सो बिकॉज द वैश्यस आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एंड देयर फॉर देयर लैक ऑफ ग्रेन, लैक ऑफ फ्रूट्स, लैक ऑफ मिल्क, लैक ऑफ घी, लैक ऑफ ऑल वेजिटेबल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड देयर फॉर पीपल आर लैकिंग द न्यूट्रिशियंस, पीपल आर लैकिंग न्यूट्रिशियंस. सो पीपल आर क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशियन बोलते हैं ना. तो जन्म से लोग बीमार रहते हैं. सो दे आर फिजिकली वीक, हाउ कैन दे एंजॉय, दे आर मेंटली सफरिंग, दे आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज द फ्रूट्स द ग्रेन विच दे आर ईटिंग, दे आर नॉट गुड क्वालिटी, दे आर नॉट टेस्टी, सो दे आर नॉट मेंटली हैप्पी, दे आर नॉट फिजिकली हेल्दी. सो दैट मीन्स जब आप वर्णाश्रम धर्म को रिजेक्ट करते हैं मोर यू बिकम अनहैप्पी, मोर यू फॉलो वर्णाश्रम धर्म मोर यू बिकम हैप्पी. सो आई एम स्पीकिंग अबाउट मेटेरियल प्लेटफॉर्म, व्हाट टू स्पीक अबाउट द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म. सो मोर यू फॉलो वर्णाश्रम सिस्टम मोर यू कम क्लोजर टू स्पिरिचुअल लाइफ. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्णाश्रम धर्म हम लोग जब कर रहे हैं, लेकिन वो जब जो है वो शुद्ध स्तर पे है, चिन्मय स्तर पे है. लेकिन जब करने के साथ साथ क्यों चार नियमों के बारे में बताया गया है, चार नियम विल मेंटेन वर्णाश्रम धर्म. समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग चार नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोग हरि नाम जप करने के बाद भी भगवत धाम नहीं जा पाएंगे. तो चार नियम पालन करना बहुत ही जरूरी है वर्णाश्रम धर्म के स्टैंडर्ड को बना के रखने के लिए. तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग 16 माला जप करने के साथ साथ, साधु संघ के आने के साथ साथ, भक्ति का जो डिटेल्स है उसको थोड़ा सा हम लोग चेक करें, चेक पॉइंट, हम लोग देव यज्ञ कर रहे कि नहीं, डीटी वर्शिप कर रहे कि नहीं, आश्रम के जो नियम है उसको पालन कर रहे कि नहीं, भगवान को भोग लगा के खा रहे कि नहीं, भगवान के प्रसाद वेजिटेरियन फूड ऑफर टू कृष्णा वो ले रहे कि नहीं, फिर जो शादीशुदा है वो कार, फिर जो मैरिड लाइफ में जो डिसिप्लिन सेक्स लाइफ है उसको पालन कर रहे कि नहीं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे कि नहीं, जो ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी का स्टैंडर्ड पालन कर रहे कि नहीं. तो हमारा जो धन है उसको सही तरीके से कमा रहे कि नहीं, धन का सही उपयोग कर रहे कि नहीं, क्लीनिनेस स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे कि नहीं, तो गलत तरीके से धन तो नहीं कमा रहे हैं. तो ये सारा चीज देखना चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग चिन्मय स्तर में नहीं है. तो इसलिए हरिनाम हम लोग शुद्ध तरीके से जप नहीं कर पा रहे हैं. तो इसलिए हमें हरिनाम जप अच्छे से करने के प्रयास के साथ साथ हमें ये जो बेसिक स्टैंडर्ड है डिवोशनल लाइफ या वर्णाश्रम धर्म का बेसिक स्टैंडर्ड को बना के रखना चाहिए. तो प्रभुपाद जी बोल रहे, क्योंकि वैश्य लोग फैक्ट्री खोल के बैठ गए हैं, इसलिए द फैक्ट्रीज कैन नॉट प्रोवाइड घी, फैक्ट्री कैन नॉट प्रोवाइड वेजिटेबल, फैक्ट्री कैन नॉट प्रोवाइड फ्रूट्स, एंड देयरफॉर देयर इज अ स्कार्सिटी. सो वैश्यस आर देयर, ब्राह्मणस आर देयर, बट देयर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड उग्र वर्णाश्रम.
और आसुरिक वर्ण आश्रम. सो वर्ण इज देयर, आश्रम इज देयर, बट दे बिकम आसुरिक. गृहस्थस आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज. सो दे आर टू अटैच टू देयर बॉडीली रिलेशनशिप्स. दे डोंट हैव एनी, दे डोंट फॉलो इन एनी रिलीजियस प्रिंसिपल्स. दे डोंट प्रैक्टिस एनी डिवोशनल सर्विस. So thus everything become asurik, and therefore Bhishma Pitamaha is instructing for the whole society, for the future generation, through Maharaj Yudhishthir. Because Maharaj Yudhishthir is the king, so this is the duty of a king. So king should take knowledge or guidance from the great souls, for the devotees, from the sadhus. And thus Maharaj Yudhishthir is performing his duty as a Kshatriya and taking guidance from Yudhishthir Maharaj so that he can guide the society in a right direction. So thus ek jo raja hai wo unke rajyabhar sambhalna ek seva hai. तो एक सेवा है कृष्ण के प्रति, प्रजाओं के प्रति. इसलिए भगवान बोलते एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विधु. तो भगवान आते हैं, ये जो ज्ञान परंपरा से राजर्षियों को मिलते हैं, राजा और ऋषि को, तो हमें वो परंपरा से वो ज्ञान सदगुरु से प्राप्त करना चाहिए और हमें उसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए. तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी श्लोक का तात्पर्य को थोड़ा सा पोस्ट करिए, पहला दो पैरा पोस्ट करिए. Somebody can read. The Varnashram Dharma is prescribed for the civilized human being just to train. Sayan Prabhu can read. Okay. So these are the basic. One cannot called a civilized person without acquiring the above mentioned preliminary qualities. So we think that I am civilized. मैं ऑफिस में काम करता हूँ, कोट टाई पहन के जाता हूँ, मेरा डिग्री है, इंजीनियर हूँ मैं, डॉक्टर हूँ मैं, I am civilized. So that is not the qualification of civilized person. So don't remove it. So the qualification of the civilized person is this six quality, this nine quality. So जो nine quality एक व्यक्ति को civilized बनाते हैं. तो हमारे 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 घर में, हमारे घर में या आपके घर में किसी कागज में इस नाइन क्वालिटीज को आप नोट करके चिपका दीजिए और डेली देखिए कि क्वालिटी हमारे अंदर है कि नहीं. ऑन द अदर हैंड, इफ यू डेवलप वैष्णव क्वालिटीज, प्रभुपाद इंस्पायर्ड अस टू बिकम ए वैष्णव. हियर इज ए क्वालिटी ऑफ ए रिलीजियस पर्सन, बट व्हेन समबडी इज अ वैष्णव इज ऑलरेडी रिलीजियस. सो वैष्णव, ऑल दिस क्वालिटी कम्स अंडर वैष्णव क्वालिटी. तो
वैष्णव का 26 क्वालिटीज है, तो 26 क्वालिटी है, तो 26 क्वालिटी जो है, तो 26 क्वालिटी का शुरुआत होता है चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, मैं भूल गया बंगाली में है श्लोक है, तो उसमें 26 क्वालिटी वर्णन किया गया है। तो सारे जो क्वालिटी है इसके अंदर आ जाता है, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, संपद जो भी जितने भी वेल्थ है समान प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, केवल जो उनके विवाहित पत्नी है उसके द्वारा ही संतान उत्पादन करना चाहिए, मन और शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, इसके प्रति शत्रु भाव नहीं रखना चाहिए, सरल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी इज वैष्णवी मीन्स सिंप्लिसिटी इज क्वालिटी ऑफ ए वैष्णव, सो वैष्णव मीन्स सिंपल। देन भृत्य और आश्रितो, जो भृत्य होते सबऑर्डिनेट्स हैं, सर्वेंट्स एंड सबऑर्डिनेट को हमें पालन करना चाहिए, सो दिस आर द 9 क्वालिटी ऑफ ए सिविलाइज्ड पर्सन। तो सो वी शुड चेक ऑल दिस क्वालिटीज एंड सेम टाइम इफ वी ट्राई टू बिकम ए वैष्णव, वी शुड ट्राई टू बिकम ए वैष्णव, सो इफ वी ट्राई टू बिकम वैष्णव नेचुरली ऑल दिस क्वालिटी विल कम। So, Prabhupada says that we have established this society to create a Brahmana. And Brahmanas are the head of the society. Because today's society is headless and therefore it is working abominable way. It is working abominable way. So because head is cut off, Brahmanas are removed from the society, Shastras has been removed from the society. Therefore, we have to bring back the Vedic culture in our life. Bring back the Vedic culture in our society by preaching Krishna consciousness. So if you preach Krishna consciousness, if you practice Krishna consciousness, if you preach Krishna consciousness, then that will create Vaishnava, that will create Daivi Varnashram society. So therefore it is all of your duty to practice Krishna consciousness sincerely and check the details, develop the quality of a whatever varna and ashram you may be, you are reciting, and come to the platform of initiation, take initiation from spiritual master and preach Krishna consciousness to others. So is prakar is shlok ka tatpara hai, fir agle shlok mein Bhishma Pitamaha दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास बे सुजोग्यतः। तो अगले वाले श्लोक में भीष्म पितामह दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म और अलग अलग विभाग, जो विभाग के अनुसार, अलग अलग विभाग के अनुसार मतलब वर्ण और आश्रम के अनुसार दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म और भगवत धर्म के बारे में भीष्म पितामह विस्तारित रूप से बताते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में श्रवण करेंगे। तो अभी मैं 10 मिनट जगन्नाथ जी के बारे में बोलना चाहूंगा, तो अभी भी आप लोगों का क्या बोलते हैं ग्रहण चल रहा है, सोलर एक्लिप्स, सो बेटर वी हियर 10-15 मिनट्स मोर। तो लास्ट टाइम मैं जूनियर बैच में कृष्ण कैसे जगन्नाथ बने थे उसके बारे में मैं वर्णन किया था,
अगले दिन हम लोग क्लास करने वाले थे, बट फॉर्चुनेटली हमें गुरु महाराज का एसोसिएशन मिल गया, हाँ, तो हम लोग जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा नहीं कर पाए थे। तो आप सबको गुरु महाराज का एसोसिएशन अच्छा लगा? यस गुरु। कौन कौन अटेंड किए थे? नीतीश प्रभु, प्रवीण प्रभु, संजीव प्रभु और कौन, सुमित प्रभु? आई आल्सो अटेंडेड टू। और धीरज प्रभु, पांच जन। हाँ प्रभु, आई एम आल्सो अटेंडेड। और तुम अच्छी ले? हाँ सेम डे था ना? हाँ प्रभु। और प्रणय प्रभु, ओके छह जन। दया में पूछ ले तू, हमारा थका है नहीं सिलेन ना तू। ओ गुरु मुझे स्पेशल कृपा है इसलिए। सो विल अरेंज वन मोर डे विथ चिंगरी घाटा वॉयस डिवोटीज। तो गुरु महाराज विल स्पीक टू द यूथ, सो विल अरेंज फॉर ऑल आवर डिवोटीज, यू कैन टेक एडवांटेज दिस स्पेशल अपॉर्चुनिटी, एस्पेशली दिस करंट सिचुएशन। दे आर गिविंग टाइम टू द कम्युनिटीज ऑफ डिवोटीज, इस्कॉन कम्युनिटी एंड डिसिपल्स। तो so thus it shows that how they care the devotees. So तो आप लोग ये लीला सुने हैं, फिर से मैं छोटा करके बोल रहा हूं कि जगन्नाथ किस प्रकार वृंदावन से द्वारका चले गए थे और द्वारका में ब्रजवासियों के विरह अनुभव कर रहे थे, और फिर सारे कृष्ण के सारे महिषीगण कृष्ण की वृंदावन लीला श्रवण करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि कैसे कृष्ण ब्रजवासियों के बारे में इतना सोचते हैं। ब्रजवासी लोग कृष्ण को कितना प्रेम दिए हैं कि कृष्णा कैनॉट फॉरगेट देम। तो और इसीलिए वो देख के पूछते थे कि आपको पता है कृष्ण कहाँ है, वेर इज कृष्ण, वेर इज कृष्ण। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वाज फुल्ली इन 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 लीला। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कभी कभी कृष्ण प्रेम में भाव विभोर होके बोईबर न बे पथु हबे संगठन निरंतर नेत्रे भवे अश्रुधार कबे हबे बोलो से दिन आमार कबे हबे बोलो से दिन आमार अपराध घुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हबे हृदय संचार। तो जब अपराध सुन्न होके कृष्ण नाम लेते हैं तो कृष्णा के कृष्णा अपने रूप गुण लीला उनके हृदय में प्रकाश करते रहते हैं। और इस प्रकार कृष्ण भक्ति के कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण के लीला का आस्वादन कराते हैं उनके भक्तों को। कृष्ण उनके भक्तों को उसका आस्वादन कराते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वाज प्लेइंग ए आइडियल रोल ऑफ ए डिवोटी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में भाव विभोर हो जाते थे और कभी कभी उनके उनके शरीर छोटा हो जाता था और पूरे हाथ जो है अंदर घुस जाता था और शरीर कदम्ब के फूल के जैसा हो जाता था। तो कदम्ब के जो फूल जैसे जैसे रंग है और शरीर में काट जैसे कदम्ब के फूल के जैसे काटा काटा निकलता है, उसी प्रकार चैतन्य के शरीर में वैसा हो जाता था। रंग चेंज हो जाता था शरीर के रंग और आंखें बड़ा बड़ा हो जाता था, शरीर अंदर घुस जाता था। तो बहुत बार भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को अचेतन अवस्था में बहुत जगह में ढूंढ के मिला है, और जब उन्होंने गया चैतन्य महाप्रभु के सामने तो देखा कि चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार हालत है और चैतन्य महाप्रभु
लॉस्ट हिज एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, और फिर सब लोग जाके चैतन्य के कान में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, और चैतन्य महाप्रभु फिर अपने बाह्य रूप में आते थे। तो उसी प्रकार सारे महिषी लोग और सुभद्रा महारानी का वैसा स्थिति हुआ, आंखें बड़े बड़े हो गए, हाथ पैर अंदर घुस गए, सारे जो ग्रंथियां है क्या बोलते जॉइंट्स है ढीला हो गया। तो सो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। और तब क्या हुआ, कृष्ण और बलराम जो सुधर्म सभा में थे, दे कैनॉट, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, मतलब उधर छटपट कर रहे थे। कृष्ण कथा का इतना शक्ति है, भगवान को खींच के लेके आता है। तो अगर आप कृष्ण कथा श्रवण करेंगे तो भगवान को खींच के लेके आ जाएगा, ये कृष्ण कथा की शक्ति है। कृष्ण कथा अगर शुद्ध भक्त के मुंह से सुनकर श्रवण करेंगे, भगवान के भक्तों के साथ में श्रवण करेंगे, तो भगवान को आकर्षित करता है। तो कृष्ण बलराम दौड़ते दौड़ते आ गए, उनको पता नहीं था क्या हो रहा, लेकिन कृष्ण भक्ति कृष्ण कथा की इतना शक्ति है, कृष्ण और बलराम को खींच रहे हैं और आ गए वो दोनों, आ गए सुभद्रा महारानी के दोनों तरफ खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो उन्होंने देखा ऐसी स्थिति चल रहा है, रोहिणी माता भाव विभोर होके कथा कह रही है और सारे महिषि लोग भाव विभोर होके सुन रहे हैं, किसी को पता नहीं क्या बाहर में क्या है। कृष्ण बलराम आ गए तो रोहिणी माता कृष्ण के सारे बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं, दामोदर लीला, किस किस प्रकार कृष्ण माँ यशोदा के प्रेम के द्वारा बंधे गए, कृष्ण किस प्रकार हर घर में गोद हर घर में मक्खन चोरी करने के लिए जाते थे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो कृष्ण प्रसिद्ध है किसके लिए, नवनीत चोरम, जो मक्खन है उसको चोरी करने में कृष्ण जो है बहुत प्रसिद्ध है। और फिर गोपांगना नाम च दुकुल चोरम, और गोपियों की जो वस्त्र है उसको चोरी करने में भी प्रसिद्ध है, चोरी करने के लिए प्रसिद्ध है। और केवल वही नहीं है, कोई बोलते कृष्ण तो देखिए गोपियों के वस्त्र हरण के कैसे भगवान है, तो कृष्ण केवल गोपियों के वस्त्र ही चुराते नहीं है, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्म की पाप भी चोरी करते हैं कृष्ण। और इसलिए चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, और इसलिए चोर के रूप में कृष्ण प्रसिद्ध है। और फिर आगे बोलते हैं सिराधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम बुद्धि श्यामलकान्ति चोरम। नवाम बुद्धि श्यामलकान्ति चोरम पदाशितानं च समस्त चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। और फिर आगे बोलते हैं कि सिराधिकाय हृदयस्य चोरम, सिराधा रानी के हृदय को चोरी करने में प्रसिद्ध है। और फिर नवाम बुद्धि श्यामलोकांति चौरम, और नवाम बुद्धि जो नया नया जो बादल है उसके जो श्यामल जो नीला रंग है उसको भी चोरी कर लिए है भगवान। तो राधा रानी के हृदय चोरी किए हैं, नया बादल के जो रंग है उसको चोरी किए हैं, और फिर पदाश्रिता नाम जो समस्त चौरम, और जिन्होंने उनके चरण कमल में आश्रय लिया है उसका सब कुछ चोरी कर लेते हैं। तो उनके सब कुछ, उनके पाप पुण्य, उनके सारे भौतिक जो 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 आश्रय है सब कुछ छीन लेते हैं, और पूर्ण तरीके से भगवान भगवान के आश्रय भगवान के पूर्ण रूप से भगवान के पूर्ण भगवान उनके पूर्ण रूप से उनके आश्रय में लेके चले आते हैं। तो एक भक्त भगवान के ऊपर आवाज हो रहा है, पूर्ण तरीके से भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो इस प्रकार रोहिणी मैया कृष्ण की अलग अलग लीला वर्णन कर रही है कि कृष्ण किस प्रकार प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे ब्रज गोपियों के साथ,
और फिर कृष्ण गिरिराज गोवर्धन धारण किए हैं, सारे ब्रजवासियों को रक्षा किए, कृष्ण किस प्रकार ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा सारे सारे गोप सखाओं के सखा सारे गोप सखाओं के रूप धारण किए, और इसके द्वारा सारे गोपियों की पुत्र बने, सारे क्या बोलते हैं सारे गाय के बछड़े बने, और जितने भी गोपियां हैं ब्रज के सबके साथ विवाह किए। तो कृष्णा इस प्रकार ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा सबके साथ सबकी इच्छा को पूरी किए, और फिर कृष्णा दिव्य रास लीला किए वृंदावन में, सारे गोपियों की जिन्होंने उनके लिए कात्यायनी व्रत किए थे आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो कृष्णा उनके साथ रास नृत्य किए और सबकी इच्छा सबके सबको अपना अपना क्या बोलते पत्नी का सम्मान दिए। तो जो कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, तो इस प्रकार कृष्ण की जो दिव्य लीला, फिर अलग अलग असुरों का वध करते हैं, अघासुर बकासुर पूतना ये सारे कृष्ण की जो दिव्य लीला है, कृष्ण के दिव्य मनोहर रूप, कृष्ण के दिव्य गुणावली, ये सारे चीज श्रवण करके ब्रजवासियों की प्रेम, तो सारे कृष्ण बलराम भाव विभोर हो गया। तो वो लोग ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी इन सेपरेशन ऑफ ब्रजवासीज, बट व्हेन दे हर्ड अबाउट दोस पास्ट टाइम देयर सेपरेशन बिकम 1000 टाइम इंटेंसिफाइड। तो विरह जब तीव्र हो गया तो फिर क्या हो, भगवान के रूप एक दिव्य रूप धारण किए, जिसमें उनके आंखें बड़े बड़े हो गए, सात्विक भाव प्रेम के भाव विरह भाव प्रकट किए भगवान, और उनके हाथ छोटे छोटे हो गए, पैर छोटे छोटे अंदर घुस गए, आंखें बड़े बड़े हो गए और प्रेमाश्रु बहने लगे, और उसी समय नारद मुनि आ गए और उस दिव्य रूप का दर्शन किए। नारद मुनि ने कहा कि प्रभु ये आपकी ये विशेष रूप हम कभी भी दर्शन नहीं किए, किसी भी लीला में आपकी इस विशेष रूप में आप प्रकट नहीं हुए हैं, कृपया बताइए ये रूप के बारे में, ये इसका दिव्य रूप। तो फिर भगवान बताते हैं कि एक्चुअली ये मेरे सर्वोत्कृष्ट रूप हैं, जो मेरे भक्तों के प्रति ब्रजवासियों के प्रति विरह से उत्पन्न हुआ है, विरह से सी राधिका विरह विधुरा। तो राधा रानी और ब्रजवासियों के विरह में जो रूप उत्पन्न हुआ है सबसे प्रेममय रूप है ये। तो इसलिए ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रूप है संपूर्ण रूप है, परम पूर्ण रूप है, परम करुणामय रूप है, जिसमें भगवान सबको कृपा कर रहे हैं। तो आगे मैं इसी रूप में मैं नीलाचल धाम में नील समुद्र के तट पे नील पर्वत के ऊपर नील शिखर में नील माधव के रूप में चतुर्धा मूर्ति में मैं प्रकट होऊंगा, और जो भी व्यक्ति उस समय उनके जीवन अवस्था में मेरे इस विग्रह का दर्शन करेगा उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। तो जो भी व्यक्ति भगवान के इस दिव्य रूप का दर्शन करेंगे तो वो भाव सागर को पार हो जाएगा। तो भगवान पूरे साल दर्शन मंदिर में रहते हैं, और भक्त लोग भगवान के मंदिर में आके दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो लेकिन बहुत लोग इस अवसर का फायदा नहीं उठाते हैं, वो लोग मूवी जाते हैं, थिएटर जाते हैं, क्रिकेट स्टेडियम जाते हैं, पॉलिटिकल असेंबली में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, लड़की के साथ घूमने के लिए बोटानिकल गार्डन, और फिर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में जाते हैं, और फिर होटल में स्वीट शॉप में घूमने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो बाहर ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं, बट दे डोंट हैव टाइम टू कम एंड टेक दर्शन ऑफ द लॉर्ड एंड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान
भगवान विमुख है, भगवत विमुख है, भगवान उनको कृपा करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो भगवान उनको कृपा करने के लिए निकल पड़ते हैं और पूरे जगतवासियों को दर्शन देने के लिए, दर्शन देने के लिए। और इस समय जो रथ में भगवान को दर्शन करते, रथे च वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, जो रथ में भगवान को देखते हैं, भगवान के कृपा 1000 गुना बढ़ जाता है भगवान जब रथ में चढ़ते हैं। और भगवान जब रथ में चढ़ने के बाद गुंडीचा जाके पहुंचते हैं, या जिसको वृंदावन कहते हैं, सुंदरचल कहते हैं, तो भगवान की कृपा और 1000 गुना, मतलब 1000 × 1000 कितना होता है? कितना होता है 1000 × 1000? 10 लाख। तो लाखों गुना ज्यादा ज्यादा वृद्धि हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 साल अगर कोई व्यक्ति हर दिन जगन्नाथ मंदिर में, पूरी में जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, उनको जो फल प्राप्त होता है, एक दिन गुंडीचा मंदिर में, सुंदरचल मंदिर में दर्शन करने से वो फल प्राप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल। तो इसलिए जगन्नाथ जी का दर्शन, दर्शन करने से ही कृपा मिलेगा, दर्शन करने से ही उद्धार, दर्शन करना ही भक्ति है। जगन्नाथ जी का दर्शन करना, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाना ही भक्ति है। ईटिंग गॉड एंड डांसिंग गॉड, श्रील प्रभुपाद हमें दिया है। तो जगन्नाथ सबसे करुणामय अवतार है और हजारों हजारों लोग इस जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ के रस्सी खींच के जगन्नाथ जी के कृष्ण भावना में आ जाते हैं। तो हम लोग रथ यात्रा में बहुत विशेष सेवा करने के भाग्य मिलता था। रथ यात्रा के समय हम लोग प्रसाद वितरण करते थे, प्रसाद पैकिंग करते थे, सब लोग मिलके, और फिर प्रसाद बांटते थे सारे डिवोटीज को। 3000-4000 डिवोटीज को हम लोग प्रसाद पैकिंग करके, उसके लिए मार्केटिंग करके, फिर उसको बांटते थे। और उसके बाद हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की किताबें जो है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, बुक्स, भागवत गीता और अलग अलग बुक्स जो है, फोर बुक्स का सेट बनाया जाता था, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो इट वाज सो ब्लिसफुल, आनंदमय अनुभव है रथ यात्रा के समय भगवान की सेवा करना, जगन्नाथ जी के रथ खींचना। तो शायद आप लोग उसका याद स्मरण कर रहे होंगे, रथ यात्रा में आप क्या क्या सेवा करते थे, रथ यात्रा कैसे मनाते थे, और इस प्रकार उसका स्मरण करते हुए आप जगन्नाथ जी का करीब जगन्नाथ जी का संग प्राप्त कर सकते हैं। तो रथ यात्रा का अर्थ है कि जगन्नाथ जी वृंदावन से, द्वारका से वृंदावन जा रहे हैं, तो जगन्नाथ जी कृष्ण के विरह, ब्रजवासियों के विरह अनुभव कर रहे थे। तो कृष्ण वृंदावन से चले गए और 100 साल नहीं आए, और 100 साल के बाद जब ब्रज द्वारका वासी कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में आए थे, उनके दर्शन उधर सूर्य ग्रहण के समय, आज सूर्य ग्रहण है, तो आज से 5000 साल पहले द्वारकावासी सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र में आए थे वो स्नान करने के लिए, ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए, और ब्रजवासी लोग भी आए थे उधर स्नान करने के लिए। और जब ब्रजवासी लोग आए, आनंद महाराज, यशोदा मैया, गोपिया, राधा रानी, सो आफ्टर 100 ईयर्स दे मेट विथ कृष्णा। तो सोचिए 100 साल के विरह के बाद, विच्छेद के बाद जब मिलन होता है, तो मिलन बहुत ही तीव्र होता है, वो प्रेम बहुत ही गहरा होता है, बहुत घना होता है। और उस विरह में जब मिलन होता है, तो वो जितना आनंद उत्पन्न करता है, मिलन के समय भी उतना आनंद नहीं होता है जितना विरह के बाद मिलन होता है। तो इसलिए
कृष्ण ब्रजवासियों को प्रेम को और बढ़ाने के लिए ब्रज से चले गए थे। तो संभोग और विप्रलंब दो प्रकार के प्रेम हैं। तो संभोग मतलब द्वारका में कृष्ण उनके पत्नियों के साथ रहते हैं, सो दे हैव ऑफिशियल रिलेशनशिप। और विप्रलंब रिलेशनशिप्स आर अनऑफिशियल एंड दे एंड उनके जो संबंध है वो विच्छेद हो जाते हैं, तो उसमें विरह और तीव्र हो जाता है और दुख और तीव्र हो जाता है। तो इस दुनिया में हम लोग किसी लड़कियों के साथ प्रेम में नहीं फंस के कृष्ण के प्रेम में फंसना चाहिए। तो लड़कियों के साथ किसी लड़की के साथ प्रेम में फंसेंगे तो वो सुशांत कुमार सिंह के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे गलत व्यक्तियों के प्रति हमारे हृदय नहीं देके कृष्ण को हमारे हृदय देना चाहिए। तो कृष्ण को अपने हृदय दे देंगे तो क्या होगा, आपको कृष्ण के प्रति कृष्ण आपको विरह रस का आस्वादन कराएंगे और वही विरह रस का वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो विरह प्रेम कृष्ण प्रेम ब्रज प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के मूड के अनुसार हमें रथ यात्रा को पालन करना चाहिए। तो जब ब्रजवासी लोग कृष्ण आए तो उनके विरह में जब मिलन हुआ तो सब लोग अश्रुपात कर रहे थे, लेकिन वो लोग खुश नहीं थे क्योंकि कृष्ण बहुत सारे मंत्रियों के साथ राजवेश में थे, असंख्य रथ घोड़ा हाथी वाद्य यंत्र था। तो गोपियों ने रिक्वेस्ट किया कि कृष्णा ताहा मोरो गोपो बेश, तो वृंदावन में आपकी गोप बेश है लेकिन इधर आपके राज बेश, तो इसलिए मेरा जो मन है हमारा मन वृंदावन में परा हुआ है, तो कृपया आप वृंदावन में चलिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मोर मन वृंदावन। तो सब लोग कृष्ण को रथ में बिठा के वृंदावन में लेके गए। तो रथ यात्रा मतलब कृष्ण द्वारका से वृंदावन जा रहे 100 साल के बाद। रथ यात्रा का अर्थ है कि कृष्ण को अपने हृदय रूपी वृंदावन में बुलाना, सो दैट इज रथ यात्रा। तो रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मार्जन होता है हमारे, मतलब जिधर भगवान आके रहेंगे, तो उसी प्रकार हमारे हृदय को हरिनाम जप करने के द्वारा अच्छे से साफ करना चाहिए। चेतो दर्पणा मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबधू जीवनम। चेतो दर्पण मार्जन, हमारे हृदय रूपी जो जो आसन है उसको मार्जन करना चाहिए। अगर वो मार्जन नहीं होंगे तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्र बैठा रहेगा, कृष्ण कैसे बैठेंगे। उसी प्रकार तो फिर हमें हमारे हृदय रूपी सिंहासन को डेली साफ करना चाहिए हरिनाम जप करने के द्वारा, 4 नियमों को पालन करने के द्वारा, वैष्णव की सेवा करने के द्वारा, मंदिर क्लीन करने के द्वारा, मंदिर के जो रूम है उसको क्लीन करने के द्वारा, टॉयलेट क्लीन करने के द्वारा वी कैन क्लीन आवर हार्ट। तो 2 दिन पहले हमारे मंदिर में अभी रथ यात्रा जो है जगन्नाथ जी नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे गोविंदा रेस्टोरेंट में नीचे वो जगह पूरा अच्छे से साफ किया गया है, सब कुछ हटाया गया है, तो जगन्नाथ जी उधर विराज करेंगे। तो वो है सुंदराचल, तो ऊपर है क्या बोलते हैं नीलाचल जगह है द्वारका, नीचे है वृंदावन। तो जगन्नाथ जी आएंगे और उधर उधर दर्शन देंगे और 7 दिन उधर जगन्नाथ जी की सेवा होगा। तो उसके चलते हुए बहुत 2 दिन एकदम पूरे अच्छे तरीके से सफाई किया गया। तो हम लोग सफाई कर रहे थे तो बहुत सारे जो ओवन था 10 साल से उसका क्लीनिंग नहीं हुआ, तो उसको घिसते घिसते ऑयल लगा हुआ है, घिसते 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 जा ही नहीं रहे। तो बहुत समय लगा कि हम लोग ईटा देके सर्फ देके गर्म पानी देके उसका सफाई किए। और फिर सफाई करते 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 बहुत समय के बाद क्लीन हुआ। फिर जितने भी वॉल्स था
एकदम रसोई करते हैं उधर पूरा उसका चिट 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 चिटा हो गया, क्लीन हो ही नहीं रहा है। तो बहुत मेहनत करके घिसके पानी देके सार देके दो बार तीन बार धो के उसको सफाई करने के बाद उसको शीतल किया गया। उसी प्रकार हमारे हृदय बहुत जन्मों से साफ नहीं हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ये सब हमारे बैड हैबिट्स के इफेक्ट। सो आवर हार्ट इज हीटेड अप, सो हाउ द लॉर्ड विल रिसाइड देयर। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं और गुंडीचा मार्जन, आज शायद गुंडीचा मार्जन है तो टुमारो इज गुंडीचा मार्जन। तो आप सब लोगों को गुंडीचा मार्जन करना चाहिए कल। एक तो गुंडीचा मार्जन कर सकते हैं, आपके बीट बैग को धो सकते हैं, बीट बैग जो होता है उसको धोइए जो बहुत अच्छे से कृष्ण सफेद से कृष्ण के रूप धारण कर लिया है, क्योंकि आप कृष्ण के विरह में हैं इसलिए आपके जब बैग कृष्ण के रूप धारण कर लिया है, तो जब बैग को धो सकते हैं। आपके घर में अगर ऑल्टर है ऑल्टर को क्लीन करिए अच्छे से, हाँ क्लीन करिए उसको पानी से, हाँ अच्छे तरीके से एकदम साफ करके शीतल करिए, हाँ भगवान हाँ बैठेंगे। और फिर आप टेम्पल हॉल है आपके किचन है, हाँ यू कैन क्लीन, आपका टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं, हाँ किचन को क्लीन करिए इधर भगवान के लिए रसोई होता है। तो इस प्रकार आप गुंडीचा मार्जन कर सकते हैं आपके घर में। तो और फिर हरिनाम के द्वारा आपके हृदय को जो बहुत जन्मों से साफ नहीं हुआ है, तेल चिटचिटा होके रख रह गया है, तो उसको साफ करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी कृष्णा के बैठेंगे। चैतन्य महाप्रभु बोले मोर मन वृंदावन, कृष्णा वृंदावन में आइए। तो दैट शुड बी द मूड ऑफ गौरी वैष्णव एज द फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण को द्वारका से वृंदावन लाना। तो गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज क्योंकि इस बार लॉकडाउन है तो जगन्नाथ रथ यात्रा उतना एक्सटर्नल रूप मतलब बाहरी रूप से नहीं हो पा रहा है बहुत सारे जगह में, तो इसलिए गुरु महाराज डिजिटल रथ यात्रा का आयोजन किया है। तो उस डिजिटल रथ यात्रा आप रजिस्टर कर सकते हैं और इसके द्वारा आप अपने घर से राजापुर जगन्नाथ जी को भोग ऑफर कर सकते हैं। राजापुर जगन्नाथ वो 4 घंटा में 6 महादेश में ट्रेवल करेंगे, हरी बोल, 6 महादेश, अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया यूरोप अमेरिका, हाँ तो ये सारे महादेश में, हाँ अलग अलग देश में कम से कम 108 भक्त लोगों ने अपने अपना रथ बनाएंगे और क्या बोलते हैं ये जो राजापुर के जो जगन्नाथ जी हैं जो पुरी से ही आए हैं वो जगन्नाथ जी उस रथ में बैठेंगे, हाँ और जितने भी अलग अलग घर में जाएंगे, हाँ हजार हजार घर में जाएंगे और सब लोगों को जगन्नाथ जी को दर्शन और जगन्नाथ जी को भोग हाँ लगाने की अवसर प्राप्त होगा। तो आप लोग इस डिजिटल रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। तो वो चालू होगा सुबह 8 बजे और हमारे मंदिर का भी रथ यात्रा चालू होगा सुबह 8 बजे। तो 8 बजे से लेके 9, 10, 11 3 घंटा रथ यात्रा होगा कोलकाता में और मायापुर में होगा 4 घंटा। तो मेरा निवेदन है आप लोग इस रथ यात्रा में भाग लीजिए और इस प्रकार जगन्नाथ जी के कृपा रथ यात्रा के कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि रथ यात्रा नहीं होगा, रथ यात्रा इज गोइंग ऑन, सही से लीला करे गौर राय कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। तो भौतिक जगत के जो नियम है भगवान की सेवा को बंद नहीं कर सकता, भगवान की सेवा आध्यात्मिक स्तर पे ही होता है तो हमें भी आध्यात्मिक स्तर में पहुंचना पड़ेगा, आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचना पड़ेगा जगन्नाथ जी के लीला में भाग लेने के लिए। लीला आध्यात्मिक स्तर में होता है, अगर आप भौतिक स्तर में हैं तो लीला के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो देयर फॉर फर्स्ट यू क्लीन योर हार्ट टुमोरो बाय डूइंग गुंडीचा मार्जन, और आप मैसेज करिए कि मैंने गुंडीचा मार्जन किया है, फोटो भेजिए ग्रुप में फोटो भेजिए, मैंने ये जगह साफ किया, ये जगह साफ किया, किचन साफ किया, ऑल्टर साफ किया, हाँ तो फोटो खींच के भेजिए, जप माला साफ, जप बैग साफ किया। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, इट्स ऑफिशियल होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। और फिर अगले दिन आप अच्छे से अपने आप को तैयार रखिए, फ्रेश कपड़ा पहनिए,
नया कपड़ा है तो नया कपड़ा पहनिए, तिलक जैसे हम लोग रथ यात्रा में भाग लेते हैं। तो जिस प्रकार आपके भाव रहेगा भगवान उसी प्रकार आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो मेरा याद है मैं 2002 में तो मैं रथ यात्रा के द्वारा कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया था। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ जगन्नाथ ऑफ हबीबपुर रथ यात्रा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लॉर्ड जगन्नाथ फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। मेरे को पता ही नहीं था जगन्नाथ जी कौन है, जगन्नाथ जी कैसे कृष्ण है वो भी पता नहीं था मेरे को, लेकिन रथ यात्रा के द्वारा रथ यात्रा में भाग लेके मेरे को इतना आनंद हुआ था, दिव्य आनंद। इतना वैरायटी है, इतना कल्चर है, तो सभी कल्चर रहेगा वर्चुअल लेवल में, सभी एक्टिविटी रहेगा, कीर्तन कथा सेवा डांस ड्रामा सब कुछ होगा सातों दिन। और इधर सात दिन में तीन दिन मोस्टली श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज प्रवचन देंगे, तो आप लोग उसको उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे गुरु महाराज क्वेश्चन आंसर लेते हैं, क्लास देते हैं कोलकाता रथ यात्रा में, तो आप लोग भी भाग ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए तो आप लोग सुबह जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। अब मैं सोच रहा था कि शाम को हम लोग क्लास रख सकते हैं, अगर गुरु महाराज लोग कोई डायरेक्ट क्लास देते तो विल अटेंड गुरु महाराज क्लास, अदरवाइज विल हैव क्लास फ्रॉम 7:30 to 9:00। 7:30 to 9:00 ये टाइम, मतलब आप लोग इस मतलब इसमें सहमत है क्या, मतलब 23